पहलवान जी हाची हाची पहलवान जी ऊपर आ जाओ ऊपर 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 साड़ी तोड़ साड़ी तोड़ साड़ी तोड़ जी हम तो क्या हम कहा था ना मैंने नहीं चाहिए पैसे तुम उसे जानती हो मेरे बस में था पीछा करते करते घर तक पहुंच गया है बदमाश बहन जी हम बदमाश नहीं है और ना ही हम किसी का पीछा कर रहे हैं बचर बली की कसम अरे हम तो प्रतापगढ़ से आए जयराम जी से मिलने के लिए कौन हो तुम हम पवन चतुर्वेदी नीले पाठक वाले चतुर्वेदी साहब के बेटे चतुर्वेदी जी के बेटे जी जी बजरंग जी उतारो इसको ये लीजिए भैया जी अरे बस नहीं नहीं खाइए गरम गरम है स्पेशल है हमारे यहाँ का हम जब पराठे के लिए आलू उबालते हैं ना तो उसी समय उसमें नमक डाल देते हैं इसलिए बनते इतने अच्छे आप खाइए भैया जी यहाँ कोई मांस पका रहा है साथ वाली हवेली में मोमडन है सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं हमारी हवेली हरवंश त्रिवेदी हवेली में मैंने तो साफ साफ कह दिया है पराए धर्म वालों को कोई घर किराए पर नहीं देगा भैया जी आप ये तो बताइए कि आप काम क्या करते काम ढूंढने तो हम दिल्ली आए हैं अरे तेरे स्कूल में कोई नौकरी नहीं मिल सकती से अरे वाह आप भी क्या आप भी अभी तक स्कूल में पढ़ती हैं पढ़ती नहीं पढ़ाती हूँ तुम कल रसिका के साथ इसके स्कूल चले जाना वहाँ कोई ना कोई नौकरी निकल आएगी यहाँ बंदर बहुत है दिन भर क्या प्रणाम करते रहोगे ये लो सोने से पहले चारपाई के नीचे लगा लेना यहाँ बंदर के साथ साथ मच्छर भी बहुत है एक मिनट हाथ दीजिए एक्सक्यूज मी भरोसा रखिए कीजिए ना 1 2 3 4 5 5 और हाँ मेरा नाम बहन जी नहीं रसिका है फिर क्या हुआ क्या हुआ फिर एक दिन द्विवेदी जी और उनका बेटा पुरुषोत्तम आए आइए द्विवेदी जी आइए आइए पधारिए नमस्ते आइए आइए यहाँ बैठिए कैसे हो पुरुषोत्तम अच्छा बैठो बैठिए जी बैठिए और पवन बेटा रसिका बेटी को लेके आओ जी रसिका जी रसिका जी लड़के वाले तो आ गए अगर बजरंग बली सचमुच किसी दिन प्रकट हो गए तो तुम उसे क्या मांगोगे पवन जानते हो मैं क्या मांगूंगी हाथ दो अपना भरोसा नहीं है भाई रसिका कहाँ है जी बस आ रही है लगता है हमारी बिटिया शर्मा रही है बाबूजी आप हमेशा कहते थे हर लड़की अपने होने वाले पति में अपने पिता की परछाई देखती है मुझे आपकी परछाई पवन के सिवा किसी और में नहीं दिखाई देती रसिका क्षमा कीजिए द्विवेदी जी अभी रिश्ता नहीं हो सकता हमारी बेटी नहीं चाहती अगर बात ऐसी थी तो पहले बताया होता घर बुलाकर अपमान करने की क्या जरूरत थी क्षमा कीजिए सर चलिए चलिए जी यहाँ रुकना कौन चाहता है बाबूजी
तुम्हारी सगाई रसिका के साथ नहीं होगी जब तक तुम रसिका के काबिल नहीं बन जाते। और इसके लायक बनने के लिए पहली शर्त है घर, जो तुम अपने कमाए हुए पैसों से लोगे। बस 6 महीने हैं तुम्हारे पास, वरना मैं किसी ऐसे लड़के को ढूंढूंगा जो इसके काबिल है। वैसे भैया जी, हम आपसे पहले नहीं पूछे आपकी एज क्या है। अरे वाह बजरंगी भैया, वाह बधाई हो बधाई। अरे जो कहानी वो कर डाली। अब 2-2.5 महीने में घर का किराया डिपॉजिट दोनों हो जाएगा। बंबाल देखा काम बंद आगरा जब बोलती नहीं है तो कैसे पता ब्राह्मण की बच्ची। ये गोरी जो है ब्राह्मणी होगी। यहां कब तक रहेगी? जब तक उसके माँ बाप नहीं मिल जाते। और वो कब मिलेंगे? जैसे बजरंगबली चाहेंगे। कभी हवाई जहाज से सफर किया हो? मैंने किया था एक बार। पता है हवाई जहाज में क्या बोलते हैं? हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क पहले अपना पहनो, फिर दूसरों की सहायता करो। ऐसे कब तक समाज सेवा करते रहोगे? कभी अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचो। मन लगाकर कोई काम करो, एक अच्छा सा घर ले लो, और अगर नहीं हो सके तो अभी बता दो, ताकि ना तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो ना रसिका का। ये 6 साल के बच्चे के लिए ठीक है ना? जी। वैसे पवन, मुन्नी के माँ बाप नहीं मिले तो क्या वो शादी के बाद भी हमारे साथ ही रहेंगे? कैसे नहीं मिलेंगे मुन्नी के माँ बाप? हुए नहीं तो? किसके माँ बाप नहीं होते? अनाथ। तेरा फेवरेट प्लेयर कौन सा है? धोनी, विराट कोहली, युवी, शिखर धवन, सहवाग, सारे तुझे क्रिकेट के बारे में कुछ बता ही नहीं होगा। मुन्नी अनाथ नहीं है, अगर होती तो बजरंगबली हमें बता दी होती। पवन, उसके माँ बाप है, ये कब बताया बजरंगबली ने तुम्हें? भैया जी घर में नहीं मिल रही है। मिल नहीं रही है? अभी तो हम साथ ही खाना खा रहे थे, फिर अचानक गायब हो गई। समझ में नहीं आ रहा कहाँ चली गई। ताई जी, मुन्नी छत पे भी नहीं है। हे भगवान। मुन्नी, मुन्नी,
बाबा